हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सब लोग कैसे हैं? मेरी कुकी स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहे और खुश रहे, बस यही अभिलाषा की अभिलाषा है। आज है ट्यूसडे और कोजागिरी पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो, आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। कोजागिरी पूर्णिमा आज के दिन खीर बनाई जाती है, बासुंदी बनाई जाती है और लोग छत में रहते हैं, खीर रखते हैं चांद के नीचे और उसकी छाया पड़ती है, फिर उसमें अमृत ऐसा मानते हैं और फिर उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं। आज तो घर में दो चीजें शुभम की ही फेवरेट बनने वाली हैं, इडली सांभर और बासुंदी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा ब्लॉग। संडे बारिश हुई थी ना, उसके बाद से मौसम ठंडा हो गया। मतलब ऐसा लगता है रोज सुबह जैसे सर्दी के दिनों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम है। सो के उठ के खाना बनाना और खाने में क्या बनाया जाए, और तब जब पीछे से आवाज आ जाए कि मीनू आज थोड़ा हमें जल्दी निकलना है, फिर तो बस बुखार ही चढ़ने लगती है। तो ये तरोई निकाली मैंने फ्रिज से, मेरे पास गोभी भी है, फूल गोभी, और तरोई थी तो मैंने तरोई उठाया क्योंकि ये जल्दी बन जाएगी फटाफट से। और इसके साथ में सूखी, मतलब थोड़ी सी हल्की सी लटपट सी रहेगी तो दाल बनाने की सुबह सुबह जरूरत नहीं रहेगी। आजकल दोपहर में दाल बनाओ तो गरम गरम रहती है। सरसों का तेल मैंने गरम किया, जीरा डाला, हरी मिर्ची और यहाँ पर प्याज डाली है, थोड़ी सी हींग डाली है। ये सब्जी मैं कुकर में छौंक रही हूँ, ये फटाफट से छौंका, यूं सीटी बजी, इधर आटा गूंथा और यहाँ रोटियां बनी, आधा घंटे से भी कम में सब्जी रोटी तैयार। तो जब प्याज भुन गई है तो मैंने ये एक आलू जिसे छोटे छोटा काटा है ये डाला है और इसे भून लिया है। आलू और प्याज, हरी मिर्ची, ये सब अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। आलू हल्का सा फ्राई भी हो जाता है ऐसे पहले भूनने से। फिर मैंने टमाटर डाला है, अब टमाटर भी अच्छे से गल जाएगा, आलू के साथ में ऐसे भून लिया है। और इसमें सूखे मसाले डालने शुरू किए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और अगर आप चाहें पसंद करें तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं क्योंकि हमने आलू डाला है, और नमक भी साथ में डाल दिया जिससे अब जल्दी से सब मसाले और ये सब हम भून लें, टमाटर जल्दी से गल जाएगा। और वैसे तो कुकर में दो सीटी लगती हैं कि सब्जी तैयार हो जाती है, सुबह के समय में जब बहुत ज़्यादा जल्दी हो, और कढ़ाई में तो थोड़ा टाइम लगता है कोई भी सब्जी पकने में, और कुकर में तो एक बार स्टीम बनी, दो सीटी लगी कि सूखी सब्जियां तो फट से पक जाती हैं। बस फर्क इतना है कि जले ना, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो जिन सब्जियों में हम पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा ही सही, वो तो इसमें आग बंद करके छौंकनी चाहिए, कुकर में कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैंने आलू और तरोई अच्छे से मिक्स करके भून लिया, और इसमें थोड़ी देर पहले खुला भूना है। फिर ये जो कलछी है ना, इसी से मैंने दो चमचे पानी डाल दिया, ये जो जिससे मैं सब्जी अभी हिला रही थी, बस इतना ही, यानी कुल मिला के एक कटोरी पानी रहा होगा। और पानी इसीलिए डाला कि जैसे ही हमने अगर लिड लगाई, कई बार होता है आज तेज हो तो सूखे मसाले नीचे से जल जाते हैं, पानी डाला तो वो जलेंगे नहीं नीचे के मसाले। और स्टीम बन गई और दो तीन सीटी हुई कि हटा दिया उसे, और फिर मैंने यहाँ पर चाय रखी है। क्योंकि मौसम ठंडा है तो अम्मा देर से नहाती हैं आजकल, तो सुबह चाय बनाती हूँ मैं, तो चाय ले लेती हैं, फिर नाश्ता वो बाद में लेती हैं जब नहाती हैं ना, नहाने के बाद नाश्ता, और खाना दोपहर में होता है तो उनको थोड़ा आराम से नहाने का मन है तो फिर आराम से नहाएंगी। यहाँ मैंने चाय बनाई, हम दोनों की चाय हो गई, अम्मा ने चाय लिया और यहाँ सब्जी पक गई है, ठीक है, बिल्कुल लटपट सी सब्जी है ये देखो। मैंने इसीलिए थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि अभी मुझे दाल नहीं बनानी है, तो दोपहर में दाल बनाऊंगी, दाल चावल। तो अभी ये सब्जी रोटी के लिए एकदम बढ़िया है, आटा भी अच्छे से मल लिया है, आटे को थोड़ा देर अच्छे से मलेंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगी, कल मुझे रोटी से रिलेट पूछे गए हैं, तो जो मैं अभी फुलके सेकूंगी तो मैं आपको पूरा गैस की आंच भी दिखाती जाऊंगी। जैसे मैंने तवा रखा तो आँच तेज थी, मैंने रोटी बेल लिया, तवे पर डाल दिया, आँच धीमी कर दी। दूसरी रोटी चकले पर बेलने से पहले तवे वाली रोटी को आंच धीमी कर ली, जैसे ही मैंने रोटी डाली दूसरी और गैस की आंच में रोटी को पहुंचाया तो मैंने आंच तेज कर ली। और एक दिन मुझे किसी ने पूछा था, तवे पे आप एक ही साइड सेकते हैं क्या, तवे पे दोनों साइड सेकते हैं? जैसे अभी एक साइड डली हुई थी और ये मैंने पलट दिया था, शायद उस समय क्लिप ना ली होगी, पर रोटी तवे पे एक बार एक साइड रहती है। जैसे अभी साथ में मेरे पास तवा है और मैंने इसको ये पलटा
और फिर दूसरी रोटी बेलनी शुरू की। तब तक मैंने आंच धीमी कर ली। धीमी आंच में दूसरी साइड से तवे पे रोटी सिक रही थी और मैंने चकले पर रोटी बेलनी शुरू करी। जब पूरी रोटी बेल गई तब मैं उसको टपाक से तवे पे डाल देती हूँ और उस रोटी को लेकर के गैस पर आंच में डालती हूँ और आंच को तेज कर लेती हूँ। जब हम रोटी डायरेक्टली गैस पे सेकते हैं तब आंच तेज कर लेते हैं और जब हम दूसरी रोटी बेल रहे होते हैं तब आंच धीमी कर लेते हैं ताकि हमें टाइम मिल जाए दूसरी रोटी बेलने के लिए। इस तरीके से करती हूँ, इसीलिए मैं पहले ही बॉल्स बना के रख लेती हूँ कि वो फटाफट सारा प्रोसेस होता जाए। एक के बाद एक बॉल उठाई और रोटियाँ बेलनी शुरू करी। इसीलिए सारी रोटियाँ एक ही साइज की बनती हैं ऑलमोस्ट, और वो फटाफट से उठाओ, बेलो, डालो तवे पर, तवे से पलटो और आंच में सीधे रख दो रोटी। जहाँ से कभी भाप निकल रही है वहाँ से चिमटे से दबा लो तो वो भाप नहीं निकलती है और रोटियाँ सीखी। और यहाँ पर रोटियों में घी लगा के कैसरोल में रखनी है तो कैसरोल में रखा और जो थाली पर रोसनी है तो थाली पर रोसती। तो ये काम आज मुझे लग रहा है आधा घंटे के अंदर में हो गया है। आज वो अकेले नाश्ता कर रहे हैं सुबह, दो दिन से अम्मा सुबह जल्दी नहीं नहा रही हैं। फिर थोड़ी देर बाद नहाया अम्मा ने और फिर खाया, शुभम ने खाया, मैंने खाया। हम लोग खावा के बैठे ही थे कि अचानक से बालकनी से आवाज आने लगी, खाट खुट खुट। मैंने देखा तो यहाँ जो हमारे बेडरूम में जो बालकनी है यहाँ से जो उम्र का बहुत बड़ा सा झाड़ था जिससे चूहा भी आया, गिरगिट आके बैठ गया था और कबूतर आते थे, तो हमने ये बर्ड नेट लगाई थी। ये झाड़ काटा जा रहा था आज, लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पर ये पेड़ काटा गया था और साल भर में फिर इतना बड़ा हो जाता है कि ऊपर की छत तक भी आया था, पूरा टच होने लगता है पूरा। और ये सामने का व्यू जब भी मैं ऐसे वीडियो में लेने की कोशिश करती थी बालकनी, इधर की बालकनी में, तो यहाँ सिर्फ पेड़ ही रहता था पूरा। गर्मियों में तो बिल्कुल भी गर्मी पता नहीं चलती थी, मतलब ज़्यादा नहीं गर्मी लगती थी, हवा आती थी। और अब एकदम से खुला खुला, हमारा ध्यान ही नहीं था, हम लोग हॉल में ही थे जब यहाँ आए दोपहर के टाइम पर कमरे में, तब देखा है तो ये पूरा कट चुका है पेड़। तो कुछ तो वो कुल्हाड़ी से जैसे मोटी रस्सी बांध करके काट रहे थे और फिर वो गिर जा रहा था टुकड़ा। और ये रेलवे क्वार्टर्स में जब हम लोग रहते थे वहाँ तो कितने बड़े बड़े झाड़ रहते हैं, ऐसे ही कटते थे बीच बीच में, कभी जैसे बहुत बड़ा कोई झाड़ है, लाइट चली गई, बारिश हुई तो प्लांट गिर गया। और ये जो पेड़ है इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि उनको, मुझे तो लग रहा है 2-3 घंटे लगे होंगे पेड़ काटने में। और पेड़ काटने से पहले लाइट भी उन्होंने ऑफ कर दी थी क्योंकि वायर वायर सब पूरा फैला रहता है, खम्भे अम्बे गिर ना जाए, तो इसलिए लाइट भी चली गई थी। फिर हम और शुभम यहाँ बालकनी में बैठ के देख रहे हैं इनको, पूरा मशीन कटर था उनके पास, कुल्हाड़ी से भी काट रहे थे, कितनी शार्प उनकी कुल्हाड़ी, खाट खाट खाट, दो हाथ मारे, तीन हाथ बस सीधे पेड़, और बड़ी सी रस्सी से बांध के गिराते थे। तो रेलवे क्वार्टर्स की मैं बता रही थी ना, जैसे कभी आंधी पानी आया पेड़ गिर गया या कोई बहुत बड़ा झाड़ है गिरने वाला है उसके पहले से भी फिर वो लोग कटिंग करने आते थे, हमारे बड़े वाले क्वार्टर में भी आते थे, तो देखा हुआ था ये सब हमने पहले से ही। और शाम में अब देखो जैसे ही सनसेट होने लग रहा है तो अब यहाँ से व्यू दिख रहा है, मतलब ये हमारे बेडरूम की जो बालकनी अब यहाँ से ऐसा व्यू है, कभी दिखता नहीं था क्योंकि छत में जाओ तब दिखता था, यहाँ पूरे में पेड़ रहता था। सामने वो जो भाभी जी उनका भी घर दिख रहा है, अब दूर से हाय हेलो हो जा रही है। और शाम 6 बजे फिर ये था कि मैं रात में ही शूटिंग करूंगी, तो फिर दोपहर में दाल चावल बनाया था, सुबह सब्जी रोटी बन गई थी, दाल चावल दोपहर में गरम गरम खाया गया, फिर शाम की दूध चाय हो गई। आज शुभम की छुट्टी थी ट्यूशन की तो उसको ट्यूशन भी नहीं जाना था तो सो गया था मेरे साथ, थोड़ी देर लेटा फिर उसकी आंख लग गई और फिर दूध वाले भैया भी आए हैं। और एकदम से रोज वाली जो आदत रहती है ना कुछ, तो उसी रूटीन में हाथ चलने लगते हैं। तो आज भी बड़े मजेदार सी इंसिडेंट हुई मेरे साथ। पहले से ही प्लान था कि बासुंदी बनाएंगे आज, लेकिन जैसे ही मैं रसोई में काम शुरू किया तो दूध के पैकेट से दूध निकाल के भगोने में डाल दिया, भगोना धुला हुआ रखा था, रोहित वही दूध चाय, फिर बर्तन में पलटती हूँ मैं स्टील के छोटे बर्तन में, तो मैंने गैस में दूध रख दिया।
अब मैंने सूजी निकाली है, ये सूजी रवा हम अभी साईं जीवन से लेकर के आए थे, यही हाफ के जी सूजी ली है मैंने। 1 किलो का पैकेट खोला है, पूरा हाफ यूज किया है, तो हाफ किलो हाफ के जी है ये सूजी। और इसमें मैं दही डाल रही हूँ, दही पतला कर लें, जैसे बटर मिल्क है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, गाढ़ी नहीं हो ज्यादा। अगर दही डालते हैं तो पानी डालना पड़ेगा ना, मतलब इसलिए। तो मैंने सूजी को भिगो दिया कि हाफ पैकेट पूरा यूज किया, आधा किलो सूजी, और दही अंदाज से डालती जा रही थी कि जितना चाहिए उतना डाल लें। नमक स्वाद के अनुसार डालना है, तो मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया है नमक, और 2-3 चम्मच के करीब तेल डालें। मैं इडली में अक्सर डालती हूँ, कई बार मैं भूल जाती हूँ, तो आप याद रखें हमेशा डालें। ढोकले में भी हमेशा डालें। अभी मैंने एक दिन पहले ढोकला बनाया था ना, कुछ दिन पहले, भूल गई थी तेल डालना। जब मैं रेसिपी देख रही हूँ तब मैंने सोचा अरे तेल तो मैंने डाला ही नहीं। तेल डालने से ना सॉफ्ट रहता है, ठंडा भी हो जाती है इडली और ढोकला, तो भी वो नरम रहता है, रूखा रूखा नहीं लगता। और अब मैंने फिर कढ़ाई रखी, जब सूजी भिगो के ढक के रख दी ना, तो मुझे याद आया कि मुझे तो बासुंदी बनानी थी, दूध मैंने भगोने में क्यों डाला। फिर भगोने से पलट करके कढ़ाई पे डाला, फिर भगोना धुला। अब वो एकदम से याद ही नहीं था, वरना मैं पहले ही दूध जो आए हैं उनको कढ़ाई पे डायरेक्टली उबालने रखती, तो वो ऐसा होता है कभी कभी, भूल जाती हूँ मैं कि क्या करने वाली। और अब मैंने कढ़ाई रखी है इंडक्शन में, जिसमें मैंने तेल डाला है मूंगफली का पीनट ऑयल, और जैसे ही ये तेल गर्म हो गया है तो मैंने डाला है राई, जीरा और मेथी दाना, इनका तड़का लगाया है। फिर प्याज और लाल सूखी मिर्ची डाली है, और थोड़ी सी हींग डाली है। सूखी लाल मिर्ची तड़का लगा करके प्याज को भूनना है, और ये करी पत्ता मैंने डाला है थोड़ा ज्यादा सा, इसकी खुशबू और टेस्ट के बिना तो सांभर अधूरा लगता है। यहाँ पर दूध उबालता जा रहा है और मैं उसे हिलाती जा रही हूँ, आज तेज रखा है मैंने, सोचा फुल वाला बड़ा वाला बनना रहिए, और ये फुल है आज। लेकिन कढ़ाई में जैसे 2 लीटर दूध पूरा पूरा डाला है, अब फुल फैट वाला जो रेगुलर दूध आता है, मलाई वगैरह कुछ भी नहीं निकली, पहले ही बॉयल में ही उसी में है। यहाँ प्याज भुनने के बाद मैंने डाला है टमाटर, और इसमें डाला है नमक ताकि जल्दी से टमाटर गल जाएं, और साथ में डाला है लाल मिर्ची पाउडर छोटी चम्मच से, और डालूंगी मैं सांभर मसाला, तो 2 चम्मच भर के मैंने सांभर मसाला डाला है। सांभर मसाला और लाल मिर्ची के अलावा कोई सूखे मसाले मैं नहीं डालती हूँ। और ये मैंने इमली थोड़ी सी भिगो के रखी थी, उसका पल्प ऐसे मैश कर लिया है बीजा, और वो हटा दिया छिलका, और उसका पानी डाल दिया इमली का, इससे टमाटर भी गल जाएगा, पानी डालना ही था मुझे, सूखे मसाले भी ना जलें, तो इमली का ही पानी डायरेक्ट डाल दिया, जिससे अभी ये जो छौंक लगाई है तो इमली भी इसमें पक जाएगी। और इसमें गुड़ डाला है, गुड़ से हल्का सा मीठापन आएगा और इमली से खट्टापन आएगा। और सांभर मसाला, लाल मिर्ची, टमाटर, प्याज और सूखी लाल मिर्ची, ये सब अच्छे से मिक्स होकर के पेस्ट जैसा तैयार हो गया है, जो घुल गया ना गुड़। और अब मैंने दाल डाली है, दोपहर में जब मैंने दाल चावल बनाए थे, दाल थोड़ी ज्यादा सी थी और ये रखी थी इसीलिए कि दोबारा से फिर सांभर के लिए दाल बनानी होगी तो मैं थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ, तो मैंने दाल बढ़ा ली थी। सब्जी तो थी ही तरोई की, और दाल चावल दोपहर में बनाए थे, तो उसी दाल को डाल करके अब यहाँ पर हमारा सांभर तैयार हो गया। कई बार थोड़ी सी दाल बच जाए ना तो भी ऐसे सांभर बना करके टेस्ट चेंज हो जाता है दाल का। और यहाँ पर दूध उबल रहा है क्योंकि बनेगी बासुंदी, और आज की बासुंदी बहुत कमाल, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी, क्योंकि वो होता ही है ना जब किसी ऐसे ओकेज़न के लिए बनाते हैं हम लोग, तो उन चीज़ों का स्वाद अलग ही रहता है। और यहाँ पर सांभर हमारा खूब अच्छे से खोल गया, और मैंने उसको फेंट दिया था ब्लेंडर से, तो पूरा मिक्स हो गया अच्छे से, और एकदम ऐसे ही पतला सा मीडियम थिक सांभर चाहिए हमारे घर में इडली के लिए। अब मैंने इंडक्शन ऑफ किया क्योंकि सांभर अच्छे से बॉईल हो चुका है, खूब अच्छा खोल गया है, और इसे हांडी में मैंने पलट दिया। और अब इसकी राह देख रही हूँ मैं कि बासुंदी हमारी तैयार हो जाए, फिर बाद में मैं इडली करूंगी। तब तक मैंने वो भगोना दोबारा धुला, जो धुला हुआ अच्छा खासा था, कढ़ाई धुल ली क्योंकि सांभर अभी अभी पलटा है मैंने। ऐसे करके ना एक एक बर्तन ऐसे कुछ अलग सा लग रहा है काम, जैसे एक वो चीज़ नहीं कि सांभर बन गया, क्योंकि दाल पहले से थी तो कुकर नहीं हुआ अभी दोबारा से, ऐसे करके शॉर्टकट लगने लगती है रसोई, कुछ काम पहले से अगर हुआ रखे रहे तो। ये मैंने काजू डाले हैं, काजू एकदम फाइन चॉपिंग में है, तो काजू से बहुत अच्छा स्वाद आता है, घुल सा जाता है, एकदम बारीक है। और ये चिरौंजी डाली है जिसको चारोड़ी भी कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स में बादाम, पिस्ता, कुछ अपनी पसंद से डाल सकते हैं। ये मैंने डाला है चीनी,
दूध लगभग आधा तो हो ही रहा था। आज मैं डाल रही हूँ हमेशा की तरह एवरेस्ट का केसर मिल्क मसाला, बादाम, केसर मिल्क बादाम। इस पाउडर में ना मसाले में बादाम, केसर हैं, पिस्ते सब हैं। ये लास्ट है, फिनिश हो रहा था तो मैंने यही डाल दिया। वैसे मैंने रामबंधु का पैकेट खरीदा था मसाला मिल्क के लिए, बासुंदी के लिए ही स्पेशली, तो मैंने देखा इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैं सोची इसे ख़त्म कर लें वरना ये थोड़ा कोने में पड़ा रह जाएगा और नया डब्बा खुल जाएगा रामबंधु वाला, इसलिए मैंने उसको नहीं खोला है। नेक्स्ट टाइम मैं उसे ट्राई करूंगी। आज मैंने वही डाला जो मैं हमेशा से डालती चली आ रही हूँ, तो मैंने एवरेस्ट का केसर मिल्क मसाला डाला है और इसे मिक्स कर दिया। ये लास्ट ख़त्म था तो थोड़ा ही था मतलब। और यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर डाला है और थोड़ा सा वो जायफल भी पीस के डाला है। जायफल बड़ा सा टुकड़ा होता है ना, उसको ऐसे उसमें खलबत्ता है छोटा वाला, उसे ऐसे रगड़ के कूट के मिक्स करके चुटकी भर, और इलायची पाउडर थोड़ी ज़्यादा सी डाली है। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना कुछ देर मैंने पकाया। इससे जो मैंने अभी एवरेस्ट का मसाला डाला उसमें केसर वगैरह होती है, पिस्ता है बारीक, बादाम है, वो सब इसमें अच्छे से मिक्स हो करके पक भी गए हैं तो उनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने कढ़ाई से निकाल के भगोने में लिया। ये देखो पूरा 2 लीटर दूध 1 लीटर में ही गाढ़ा हो गया। तो बासुंदी हमने रखी साइड में और अब मैंने रखा है इडली का कुकर इंडक्शन में, पानी डाला है और ये जो सूजी भिगो के रखी थी ना खूब अच्छे से भीग गई है। करीब 1 घंटा तो हो ही गया ना इसको हमने भिगोया था, तो इसे मैं 2 हिस्से में कर लूंगी हमेशा की तरह ही। और ये बहुत ही जल्दी इंस्टेंट बनती हैं। इनो मुझे ब्लू पैकेट चाहिए था, पहले मैं ग्रीन यूज कर रही थी, पूरा एक डब्बा लाई थी। इस बार साइंस जीवन में कोई नहीं था, सिर्फ ऑरेंज ही था तो लेना ही था, तो फिर मैंने ले लिया ऑरेंज। फर्स्ट टाइम मैं डाल रही हूँ और सोच के कि कैसा लगेगा पर डालना था। हाफ पैकेट इनो मैंने यूज किया है एक बैटर में, दूसरे में भी हाफ यूज करूंगी और इसे मिक्स कर लिया है। वैसे ब्लू वाले मुझे किसी ने बोला था कि स्मेल नहीं आती है लेमन की, और मैंने ग्रीन वाला बहुत बार यूज किया है। फिर अब इसे मिक्स किया है इनो को, और ये ग्रीस की हुई है प्लेट्स, इनमें फटाफट से मैंने डाला है। 3 प्लेट्स हैं, 1 प्लेट में 5 बनती हैं और हाफ के जी में आराम से 2 बार 2 बैच में तैयार हो जाती है इडली। और सांभर बन ही चुका है तो आज हमारा डिनर फटाफट से ही था। सुबह भी नाश्ते में जल्दी सी सब्जी रोटी थी, दोपहर वाला भी दाल चावल था और अभी इडली सांभर, तो तीनों ही टाइम ऐसे कुछ लगातार वाला काम नहीं था तो बड़ी शॉर्टकट जैसे लगा करता, 1-2 चीज़ें बनानी रहती हैं तो। और यहाँ मैंने एक बैच लगा दिया, दूसरा बैच का एक बर्तन में ही रखा हुआ है, वो बर्तन और ये कढ़ाई जिसमें मैंने अभी अभी बासुंदी पलटी है, इसे भी साफ कर लिया है। वरना क्या होता है ना, लास्ट में गर्म होती है कढ़ाई और दूध सूख जाता है बर्तन में, तो फिर वो साफ नहीं होता, अच्छे से घिसना विसना पड़ता है। ऐसे तो गीले गीले बर्तन साफ कर लो तुरंत साफ हो जाते हैं। और इतनी देर में यहाँ पर हमारा 10 से 12 मिनट में इडली तैयार हो जाती है, तो यहाँ पर मैंने इडली भी निकाली, एकदम परफेक्ट। देखो कितनी सुंदर, सॉफ्ट, बहुत बढ़िया इडली बनती है। घर का दही रहे उसमें खुशबू टेस्ट अलग ही रहता है, तो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है कि आप सूजी रवा की इडली खा रहे हैं। और ये जल्दी बन जाती है। शुभम जैसे बच्चे जिनको बिन मौसम बरसात जैसे होती है वैसे इनकी अचानक से फरमाइश इडली की हो, इनका खाने का दिल कर जाए इडली, तो ऐसे भी मम्मियों को इस इडली के सिवाय कोई और इडली सूझती नहीं, तो बस अब तो मुझे आदत सी लग गई है। अब वो जैसे बच्चे नहीं कहे मम्मी दाल चावल बना लो, वैसे ही लगता है कि मम्मी इडली सांभर बना लो। पहले बड़ी आफत लगती थी जब मैं दाल चावल भिगोना पीसने का सोचती थी प्रोसेस में, वो पीसो तो लगता है डोसे बना खिला दो इनको। और यहाँ इडली सांभर 2 बैच इडली बन गई हैं और ये बासुंदी, तो आज हमारा डिनर रेडी। अब मैंने इस कैसरोल में भर के इडली पैक किए हैं, सांभर है हांडी में और जाली ढक। तो अभी अब किसी को खाना नहीं था तो हम लोग छत पर गए बासुंदी ले करके, और कितना सुंदर देखो चांद निकला है। और छत में खूब देर हम लोग टहल रहे थे और कोई नहीं था, बिल्डिंग में खाली है, सब बाहर गए हैं कुछ लोग अपने अपने फैमिली फ्रेंड्स, क्योंकि एक्चुअली बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं इन लोग का कोई ना कोई रिश्तेदार सब यहीं पर है ना, तो मायका, बहनें, फैमिली, तो उन लोग को ये इजी रहता है कोई ऐसे ओकेजन रहे कि अपना फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया, तो सब गए हुए थे छत पे खाली सन्नाटा, हम लोग बस टहल रहे हैं और तीनों जन। और इतने में ही शुभी का फोन आ गया तो सही बात हो गई जैसे कि रोज रात में होती है,
और यहाँ पर देखो हमने रखा है बासुंदी, काफी देर तक रखे थे। अब वही है कि रात में क्या करो, बिल्ली बिल्ली का भी तो डर रहता है कोई जानवर का। तो फिर जितनी देर हम लोग थे उतनी देर तो हम लोग रुके, उसके बाद हमने बालकनी में रख दिया, जो हमारी जाली लग गई ना बालकनी, मैंने दिखाई वहीं रख लिया। और यह भोग प्रसाद वही जो हम लोग का रहता है महाराज का, और हम लोग केंद्र की सेवा भी थी लक्ष्मी वो उसमें पूर्णिमा की, गुरु पूर्णिमा की लक्ष्मी जी की, तो वो सब भी था। आज तो काफी मतलब रोज से अलग ही रूटीन था। रात में कितना सुंदर लग रहा है देखो, चारों तरफ लाइटिंग, और वो जो पेड़ कटा है आज, अब नीचे छत से नीचे झांका तो देखो पूरा खाली, पता है यहां से भी खड़े हो ना ऊपर वाली छत में तो भी पेड़ यहां तक आ जाता था। फिर नीचे आए, सबकी प्लेट लगाई और सबको खाना दिया, और इसके बाद टाटा बाय 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 पहले हो जाती है ना, समझ लिया करो रोज। और बस फिर यहाँ किचन क्लीनिंग हो गई, गर्मा गर्म इडली सांभर, मस्त डिनर हो गया। और